गुड इवनिंग बच्चों, सॉरी, एंड दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब. वंस अगेन आई एम विद यू विद प्रैक्टिस सेट नंबर 13. 13वां सेट है आपका ये. और अगर सारे सेट्स आप धीरे धीरे तैयार करते हैं, ये सारे सेट्स आपके आने वाले एग्जाम्स में, स्पेशली सीएचएसएल में और आगे सीजल मेंस में भी आपके काम आएगा. सब मिक्स्ड है. जो मेन टारगेट ये रखा जा रहा है कि इंग्लिश में जो भी क्वेश्चंस वो देते हैं या दे सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको दे. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन 13th सेट ऑफ सुपर 60 प्रैक्टिस सेट. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द मैन साउंडेड वेरी सैडली After the death of his son, the man sounded, आदमी प्रतीत हुआ, very sadly, बहुत ही दुखी, after the death of his son. कर लेंगे? क्या गलत है इसे? The man sounded very sadly after the death of his son. क्या लग रहा है आप? द मैन साउंडेड गलत है या वेरी सैडली गलत है या आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन गलत है? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन तो सही, या कोई एरर नहीं. द मैन साउंडेड क्या गलत है? नहीं गलत. द मैन साउंडेड भी सही है, क्योंकि द मैन साउंडेड मीन्स वो आदमी प्रतीत हो, यानी वो आदमी लगा. क्या लगा? वेरी सैडली, वेरी सैडली. अगर वो आदमी प्रतीत हुआ तो वेरी सैडली यानी बहुत दुखी पूर्वक प्रतीत हुआ या बहुत दुखी प्रतीत हुआ? क्या प्रतीत हुआ? बहुत दुखी प्रतीत हुआ. दुखी की मीनिंग सैडली कैसे हो सकती है? सैड होगा ना. तो द मैन साउंडेड वेरी सैड हो जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन. अगर आपको याद हो, चाहे वो साउंड का प्रयोग हो, चाहे वो टेस्ट का प्रयोग हो, चाहे वो स्मेल का प्रयोग हो, चाहे वो लुक का प्रयोग हो, ये वो वर्ब्स हैं जब ये एक्शन वर्ब के रूप में न प्रयोग होकर के एक सेंस वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं, तो इनके साथ कोई एडवर्ब नहीं आता है, एडजेक्टिव आ जाता है. याद करें दो एग्जांपल्स. द रोज स्मेल्स स्वीटली, गलत है ना. क्या हो जाएगा? द रोज स्मेल्स स्वीट होता है. ऐसे ही पिकल टेस्ट सावरली, गलत है ना. पिकल टेस्ट सावर, वैसे ही द मैन साउंडेड वेरी सैड. साउंड का अर्थ जब बजाना होता है तब वो एक्शन वर्ब लेगा, लेकिन जब साउंड का अर्थ प्रतीत होना, लगना होता है, तो फिर वो एडजेक्टिव लेगा. तो एडजेक्टिव सैडली नहीं, सैड होता है. ओके, यानी बी पोर्शन में एरर है आप. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका है. ही डिड नॉट वॉन्ट टू बिहेव कावर्डली बट हिज सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू बिहेव सो. क्या गलत? ही डिड नॉट वॉन्ट टू बिहेव कावर्डली, वो कायरतापूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहता, बट लेकिन हिज सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम, लेकिन उसकी परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया टू बिहेव सो, ऐसा व्यवहार करने के लिए. क्या गलत? ही डिड नॉट वॉन्ट टू बिहेव कावर्डली, ये गलत है, या बट हिज सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम, ये गलत है, या टू बिहेव सो, ये गलत है. याद आ रहा है कुछ? क्या कावर्डली का प्रयोग यहां पर सही है? कावर्डली क्या होता है? ज्यादातर टीचर्स को और ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि किसी शब्द में अगर ly जुड़ा है तो वो एडवर्ब हो जाएगा. एडवर्ब हो जाएगा तो एडवर्ब एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि अगर नाउन में ly जुड़ा होता है तो एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता है. तो he did not want to behave. To behave तो वर्ब है. To behave के बाद cowardly, यानी हमें क्या चाहिए? एडवर्ब. हमें पता होना चाहिए कि कावर्ड एक नाउन है,
और कावड़ एक नाउन है तो एल वाई जोड़कर एक एडवर्ब नहीं बन रहा है, एक एडजेक्टिव बन रहा है। जबकि आपको चाहिए क्या, एक एडवर्ब या एडवर्ब की तरह काम करने वाला कोई फ्रेज। तो ही डिड नॉट वांट टू बिहेव हो गया, ये एक्शन वर्ब है। तो यहां एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो कावड़ली का एडवर्ब होता है इन द कावड़ली मैनर, क्या हो जाएगा, इन द कावड़ली मैनर, यानी ही डिड नॉट वांट टू बिहेव इन द कावड़ली मैनर। अगर आप एडवर्बियल नहीं यूज करना चाहते तो आप एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी यूज कर सकते हैं। कैसे, He did not want to behave like a coward. हो जाएगा? Like a coward क्या हो जाएगा? Prepositional phrase होगा, जो adverb की तरह काम करे। ठीक है? Prepositional phrase या तो adjective की तरह काम करते हैं या adverb की तरह काम करते हैं। ठीक है? तो he did not want to behave cowardly के बजाय in the cowardly manner हो जाएगा या like a coward हो जाएगा, बाकी सही है। ऐसा करने की वजह है आप action verb के साथ एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब का प्रयोग करें। ओके, तैयार करिएगा, काम आएगा। नेक्स्ट कॉमन एरर है आपका, द बॉय डिड एज गुड एज ही कुड बट ही वॉज नॉट एबल टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम द डेंजर। द बॉय डिड एज गुड एज ही कुड, लड़के ने उतना अच्छा किया जितना वो कर सकता था, जितनी कोशिश वो कर सकता था, बट लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू, लेकिन वो समर्थ नहीं हुआ सेव टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम द डेंजर, उस बच्चे को उस खतरे से बचाने में। क्या गलत लग रहा है आप देखने वाक्य को, द बॉय डिड एज गुड एज ही कुड बट ही वॉज नॉट एबल टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम द डेंजर। To save the child from the danger, यहां कुछ गलत है क्या? To save the child from the danger, अभी कल भी आपने पढ़ा था कि save है तो from लगाएंगे ही आप, from के बाद noun phrase है, सही है आपका। But he was not able to, क्या यहां कुछ गलत है? But he was not able to, सही, कोई गलती नहीं है। The boy did as good as he could, क्या यहां गलत है? है गलत क्या है? यही पे गलत। द बॉय डिड यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब, और डू तो एक्शन वर्ब होता है, तो द बॉय डिड ये एक्शन वर्ब है, और एज गुड एज, हमने एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लिया है, ये सही है। या कंपेरेटिव और सुपरलेटिव होता तो ऑलरेडी गलत हो जाता। लेकिन ये देख रहे हैं कि एज और एज के बीच में हमने क्या लिया है, गुड लिया। गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। हमको एक्शन वर्ब के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एडवर्ब। तो वेल एक ऐसा शब्द होता है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह कार्य करता है। तो द बॉय डिड एज वेल एज होगा, न कि एज गुड एज। वेल एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। जब आप किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य वगैरह उसके हेल्थ की बात करेंगे तो यू आर टेकिंग लाइक एन एडजेक्टिव, तो जाएगा ही इज वेल, यानी वो ठीक है, यानी उसका स्वास्थ्य ठीक है। बट इफ यू आर टेकिंग अ वर्ड लाइक अ वर्ब, एक्शन वर्ब, अगर आप एक एक्शन वर्ब लेते हैं देन यू नीड एन एडवर्ब, तो फिर आपको एक एडवर्ब की आवश्यकता है। जैसे ही एक्टेड वेल, ही एक्टेड वेल, सही है ना? यानी यहां पे डिड एक्शन वर्ब है तो फिर यहां गुड नहीं होगा, क्या होगा? वेल हो जाएगा। द बॉय डिड एज वेल एज ही कुड हो जाएगा। ये लेवल है, तैयार करेंगे, काम आएगा। ये सेंटेंस फिलर है आपका, देख लें। स्कूल डेज आर कंसिडर, स्कूल डेज जो है उन्हें माना जाता है टू बी द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, कि वो आपके जीवन के सबसे अच्छे समय, सबसे अच्छे वर्ष होते हैं। When my dash year in school began, जब वो मेरा साल स्कूल में शुरू हुआ, तो I began to think, तो मैंने सोचना शुरू कर दिया of those past enjoyable days, वो जो बीते हुए मेरे खुशियों के दिन थे,
एंड ऑफ माय फ्यूचर आल्सो, और मैंने अपने भविष्य के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। तो कौन सा मेरा स्कूल का वर्ष शुरू हुआ? व्हेन माय एब्सोल्यूट ईयर बिगन, जब मेरा एब्सोल्यूट ईयर शुरू हुआ, या व्हेन माय पेन अल्टीमेट ईयर बिगन, या जब मेरा पेन अल्टीमेट क्या होता है, अंतिम साल से पहले वाला साल, यानी जैसे आप 1999 में आप रिटायर हो रहे, तो 1998 क्या होगा, आपका पेन अल्टीमेट होगा। या फिर व्हेन माय इंटीग्रल ईयर हो जाएगा, इंटीग्रल क्या होता है, अभिन्न, जिसे अलग न किया जा सकता हो वो इंटीग्रल होता है। तो व्हेन माय टर्मिनेशन ईयर तो होगा नहीं आपका, टर्मिनेशन मीन्स किसी चीज का अंत कर देना, तो यहां कुछ सेंस नहीं आएगा। तो व्हेन माय एब्सोल्यूट ईयर बिगन, या व्हेन माय पेन अल्टीमेट ईयर बिगन, इंटीग्रल का कोई मतलब नहीं आपका है, इन्हीं दो में से चूज। एब्सोल्यूट क्या होता है, संपूर्ण, पूरा, जिस पर किसी का वश ना हो, संपूर्ण, वो एब्सोल्यूट होता है। जब कोई एब्सोल्यूट होता है तो वो निरंकुश हो जाता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। ओके, तो आप समझ सकते हैं व्हेन माय क्या हो जाएगा, व्हेन माय पेन अल्टीमेट ईयर इन स्कूल बिगन, यानी जब मेरा अंतिम वर्ष से पहले वाला वर्ष शुरू हुआ, तो फिर मुझे पास्ट के वो खुशियों के दिन याद आने लगे, एंड ऑफ माय फ्यूचर आल्सो, और मैंने अपने भविष्य के बारे में भी सोचना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, या पेन अल्टीमेट मीन्स अंतिम वर्ष से पहले का जो पेन अल्टीमेट होता है। सेंटेंस फिलर है भी, बीइंग डैश द जज गिव अ फेवरेबल वर्डिक्ट, फेवरेबल वर्डिक्ट मीन्स उचित निर्णय, सही निर्णय, क्या बीइंग पगनेसियस द जज गिव हो जाएगा, बीइंग टेनेसियस द जज गिव हो जाएगा, बीइंग मेलिसियस द जज गिव हो जाएगा, या बीइंग सेगेशियस द जज गिव हो जाएगा। क्या होकर के उसने फेवरेबल वर्डिक्ट दिया, उचित निर्णय दिया, क्या होकर के, पगनेसियस होकर के, टेनेसियस होकर के, मेलिसियस होकर के, या सगैशियस होकर के, क्या था वो जज, क्या था कि उसने उचित निर्णय दिया, फेवरेबल निर्णय दिया। ये कब कर पाएंगे, यदि आप वर्ड्स को जानें। पगनेसियस कौन होता है, जो क्वेरल सम होता है, इरिटेटिंग होता है, मीन्स चिड़चिड़ा होता है, झगड़ालू होता है। टेनेसियस कौन होता है, जो हठी होता है, जिद्दी होता है, दृढ़ होता है, एक बार किसी कार्य को ठान लिया तो पीछे नहीं हटता है। मेलिसियस कौन होता है, जो गंदा होता है, ईर्ष्या से, घृणा से भरा होता है। सगेशियस कौन होता है, जो बुद्धिमान होता है, मीन्स वाइज होता है। अगर उसने फेवरेबल वर्डिक्ट दिया, उचित निर्णय दिया, तो क्या रहा होगा, पगनेसियस नहीं रहा होगा, झगड़ालू तो रहा नहीं होगा, टेनेसियस हठी, जिद्दी, दृढ़ तो रहा नहीं होगा, मेलिसियस ईर्ष्या से तो बिल्कुल नहीं भरा रहा होगा, क्या हो जाएगा, सगेशियस। तो बीइंग सगेशियस यानी बुद्धिमान होने के कारण द जज गिव अ फेवरेबल वर्डिक्ट, यानी जज ने इसको उचित निर्णय दिया, तो सगेशियस मीन्स बुद्धिमान, चारों वर्ष तैयार करेगा, काम आएगा। पगनेसियस झगड़ालू, जो झगड़ा करता हो, चिड़चिड़ा होता हो, टेनेसियस जिद्दी, यानी जो दृढ़ हो जाता तो हो गया, पीछे नहीं हटता हो, मेलिसियस ईर्ष्या से, घृणा से भरा हुआ, और सगेशियस बुद्धिमान। ओके, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आपके पास, ही कट द गॉर्डियन नॉट बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच्ड, बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच्ड, यानी जो कुछ वो प्रीच करता था, जो कुछ वो कहता था, उपदेश देता था, प्रवचन देता था, उसी को अभ्यास में लाकर के he cut the Gordian knot, तो उसने क्या कर दिया, उस चीज को अभ्यास में लाकर he lessened the difficulty, उसने डिफिकल्टी को कम कर दिया, या removed the difficulty, या उस difficulty को खत्म कर दिया, उस कठिनाई को समाप्त कर दिया, add to the difficulty, बल्कि उस difficulty को और बढ़ा दिया, या let the difficulty remain as it was, या जो डिफिकल्टी जिस अवस्था में थी उसी में रहना रहने दिया, कौन सा सही। ये तब कर पाएंगे आप जब आप याद कर लेंगे कि कट द गॉर्डियन नॉट क्या होता है।
एक्चुअली गॉडियस फ्रीजिया का राजा था. क्या था वो? फ्रीजिया का राजा था. तो उसने एक नॉट, नॉट समझते हैं ना, गांठ, उसने एक गांठ बांध दी जो एक ओरेकल में यानी एक भविष्यवाणी में उसने सुना था कि इस गांठ को वही खोल पाएगा जो एशिया का फ्यूचर किंग होगा, जो उस पर शासन करेगा. और ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान ने उस गांठ को, उस नॉट को क्या कर दिया था, बड़ी आसानी से खोल दिया था. यानी उसने उस समस्या का समाधान निकाल दिया था. तो ही कट द गॉर्डियन नॉट, यानी कट द गॉर्डियन नॉट मीन्स रिमूव्ड द डिफिकल्टी. उसने उस समस्या को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उस नॉट को खोल दिया उसने. तो याद कर ले, कट द गॉर्डियन नॉट मीन्स समस्या को समाप्त कर देना, रिमूव द डिफिकल्टी. नेक्स्ट इडियम है आपका, द न्यू मैनेजर रूल्ड द रोस्ट फ्रॉम डे वन. यानी पहले दिन से ही वो जो मैनेजर था उसने रोस्ट को रूल करना शुरू कर दिया. तो पहले दिन से उस मैनेजर ने गॉट पेड वेरी हैंडसमली, मीन्स अच्छे खासे तनख्वाह प्राप्त करना शुरू कर दिया. या पहले दिन से मैनेजर ने क्रिएटेड गुड इंप्रेशन, अपने कर्मचारियों पर अच्छा इंप्रेशन जमाया. या पहले दिन से मैनेजर ने एक्सरसाइज्ड अथॉरिटी, अपने अधिकारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, धाक जमाना शुरू कर दिया. या पहले दिन से मैनेजर ने रश थ्रू वर्क, बिल्कुल काम ही काम करने लगा, बहुत अधिक कार्य किया. क्या सही हो? ये कब कर पाएंगे? जब आप जानेंगे कि रूल द रोस्ट मीन्स क्या होता है. रूल द रोस्ट मीन्स होता है जिस ग्रुप में आप रहते हो उस पर अपनी धाक जमाते, उन्हें अपने, उन्हें दबा करके रखते हो, मीन्स उन पर अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हो, करते हो आप, यानी अपना अधिकार जताते हो आप. कर लेंगे आप. रूल द रोस्ट मीन्स एक्सरसाइज अथॉरिटी, अधिकार प्रकट करना, अधिकार जताना. यानी पहले दिन से उस मैनेजर ने अपने कर्मचारियों पर क्या जताना शुरू कर दिया, अपना अधिकार, यानी उन पर अपनी धाक जमाना शुरू कर. तो रूल द रोस्ट एक्सरसाइज अथॉरिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट. वी मस्ट हैव सीरियस रीडिंग, हमें गंभीरता पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए. फॉर द माइंड यानी अपने मस्तिष्क के लिए, यानी अपने मस्तिष्क के लिए हमें गंभीरतापूर्ण पढ़ाई करनी चाहिए. एस वी नीड होलसम एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर द बॉडी, जैसे कि हमें स्वास्थ्यवर्धक और पोषक भोजन चाहिए होता है फॉर द बॉडी, अपने शरीर के लिए. क्या सही? एस वी नीड के स्थान पे लाइक वी नीड होगा. अब तो आप इतने समझदार हो गए होंगे कि लाइक वी नीड के पहले, यानी वी नीड के पहले लाइक कभी नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि वी सब्जेक्ट है, नीड वर्ब है, तो वी नीड एक क्लॉज हो गई, तो उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा. ठीक है, ये गलत है. सी लाइक एज वी नीड, लाइक बी एज वी, दोनों कैसे आएगा? ऑलरेडी गलत हो गया आपका, सी नहीं होगा. जस्ट एज वी नीड सही है. जस्ट यहां क्या है आपका? एडवर्ब है, एस कंजंक्शन है, कंजंक्शन को एडवर्ब मॉडिफाई करता है. तो जस्ट एस वी नीड, जैसे कि हमें जरूरत है, यानी ठीक वैसे ही जैसे हमें जरूरत है, ये होगा. या नो इंप्रूवमेंट होगा. क्या होगा? जितनी बढ़िया हिंदी आप समझेंगे उतना आपके लिए आसान होगा. हिंदी देखें, वी मस्ट हैव सीरियस रीडिंग फॉर द माइंड, यानी माइंड के लिए हमें क्या जरूरत है? सीरियस रीडिंग की जरूरत है. ठीक वैसे ही जैसे होलसम एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर द बॉडी, जैसे हमारी बॉडी को होलसम एंड न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे. तो क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा? याद आ रहा आपको? जस्ट एस वी नीड, यानी वी मस्ट हैव सीरियस रीडिंग फॉर द माइंड, जस्ट एस वी नीड होलसम एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर द बॉडी, हो जाएगा. यानी डी, हिंदी बनाएंगे तो ऑलरेडी समझ जाएंगे आप. सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग हैं. हंड्रेड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सैकड़ों ऐसे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हैं, मेक देयर वे, जो अपना रास्ता बनाते हैं थ्रू द यूएस एकेडमिक सिस्टम.
यानी अमेरिका में एकेडमिक सिस्टम के द्वारा, यानी वहां की शैक्षिक व्यवस्था, शैक्षिक प्रणाली के द्वारा वो अपना रास्ता तैयार कर लेते हैं। तो मेक के स्थान पर क्या होगा? गाइड देयर वे होगा, या नेविगेट देयर वे होगा, या हैंडल देयर वे होगा, या तीनों गलत हो और नो इंप्रूवमेंट होगा। क्या सही है? आप में से कुछ बच्चे नेविगेट का प्रयोग करना चाहे। नेविगेट क्या होते है? यात्रा करना, यात्रा सर्कम नेविगेट यानी परिभ्रमण करना। अगर अर्थ समझ रहे होंगे तो आप नेविगेट नहीं लगा रहे होंगे, क्योंकि ये अकेडमिक सिस्टम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई का नेविगेट से क्या मतलब है? पढ़ाई के लिए वो यात्रा करते हैं, ये कोई मतलब तो नहीं है। गाइड क्या होता है? गाइड मीन्स होता है मार्गदर्शन करना। तो गाइड देयर वे अपने मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं, नहीं होगा। हैंडल क्या होता है? किसी स्थिति को संभालना, हैंडल करना। तो हैंडल देयर वे थ्रू द यूएस एकेडमिक सिस्टम, क्या द यूएस एकेडमिक सिस्टम के द्वारा वो स्थिति को, उस रास्ते को संभालते हैं? नहीं। नो इंप्रूवमेंट है। मेक वे मीन्स ही होता है रास्ता तैयार करना, रास्ता बना लेना, मार्ग बना लेना। तो सही तो है। हंड्रेड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं, मेक देयर वे, जो अपना रास्ता तैयार कर लेते हैं थ्रू द यूएस एकेडमिक सिस्टम, यानी अमेरिका की पढ़ाई यानी शैक्षिक प्रणाली के द्वारा। सही बात, यानी नो इंप्रूवमेंट होगा। चलिए, सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया है और ये लेवल पे है, आप देख लें अच्छे से। सबसे पहले पहला वाक्य, वन डे वी लैंडेड ऑन अ आइलैंड कवर्ड विद सेवरल सॉर्ट्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। एक दिन हम एक द्वीप पर उतरे, कवर्ड विद सेवरल सॉर्ट्स ऑफ फ्रूट ट्रीज, जो अनेकों प्रकार के फलों वाले पेड़ों से क्या था? कवर्ड, ढका हुआ था, ठीक है। बट वी कुड सी नीदर मैन नॉर एनिमल। ये बट बता रहा है कि पी यहां पे सेट नहीं हो रहा है। While some diverted themselves with gathering flowers, कुछ ऐसे हो गए जो फूलों को इकट्ठा करने लगे। I took my wine and provisions, मैंने अपने wine और provisions, provisions में सामान, wine और provisions लिया, and sat near a stream, और एक stream के बगल में बैठ गया। हो सकता है। I made a good meal and afterwards felt sleepy, मैंने अच्छा भोजन पकाया और फिर मैं सो गया। We walked in the meadows along the streams that watered them. We walked. One day we landed on an island. एक दिन हम एक आइलैंड पे उतरे, covered with several sorts of fruit trees, जो कई सारे फ्रूट ट्रीज से भरा हुआ था। We walked in the meadows, यानी जब आइलैंड पे उतरे तो वी वॉक्ड इन द मेडोज, यानी जो चारागाह वगैरह थे वहां घूमे। अलोंग द स्ट्रीम्स, नदियों के किनारे किनारे घूमे, दैट वाटर्ड देम, जो मेडोज को क्या दे रही थी? पानी दे रही थी, जहां से पानी आ रहा था। यानी अगर पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एस सबसे पहले आना चाहिए, एस बेस्ट। अब हम ये देखते हैं एस के साथ कितने हैं। एस क्यू एक है, यहां तो है नहीं आपका, यहां भी नहीं, यहां भी है। एस पी यहां पर है और वहां पर एस क्यू है, यानी एस के बाद या तो क्यू आएगा या एस के बाद पी आएगा, जो आएगा उसी के अनुसार आंसर होगा। पहले एस क्यू देख लेते हैं। तो वन डे वी लैंडेड ऑन अ आइलैंड कवर्ड विद सेवरल सॉर्ट्स ऑफ फ्रूट ट्रीज, ओके। वी वॉक्ड, वी की वजह से एस बेहतर है क्योंकि वी लैंड, ठीक है। We walked in the meadows, ये उसके बाद की घटना है भी आपकी, यानी हम meadows में घूमे। Along the streams that watered them, यानी उन नदियों के किनारे किनारे घूमे, जो नदियां उन्हें meadows को पानी दे रही थी। अब क्यों लेना? While some diverted themselves with gathering flowers, कुछ ऐसे थे जो gathering flowers, फूलों को इकट्ठा करने चले गए।
तो आई टुक माई वाइन, तो मैंने अपनी वाइन ली एंड प्रोविजन सामान लिए एंड सेट नियर ए स्ट्रीम, और एक नदी के धारा के किनारे बैठ गया। हो सकता है अब पी भी देख लेते हैं, तो हम किनारे बैठ गए। बट वी कुड सी नीदर मैन नॉर एनिमल, लेकिन हमने वहां न तो किसी मैन को न ही एनिमल को देखा। कहा आपने पढ़ा था एंड सेट नियर अ स्ट्रीम, एक धारा के पास बैठ गए। ठीक है, धारा के पास वी कुड सी नीदर मैन नॉर एनिमल, क्या उसने धारा के पास मैन और एनिमल की बात कर रहा होगा या उन वीडियोज वगैरह में कर रहा होगा, यानी ये थोड़ा सा टिपिकल होगा। ठीक है, ये देखते हैं डी। एस के बाद पी, वी वॉक्ड इन द मीडोज अलोंग द स्ट्रीम्स दैट वाटर्ड देम, ओके, बट वी कुड सी नीदर मैन नॉर एनिमल, है ना। कहां पर वी वॉक्ड इन द मीडोज, यानी मीडोज के पास हमने न तो किसी व्यक्ति को देखा और न ही एनिमल को देखा। एस के बाद पी सही है, क्यों लेते हैं, हमने न तो कोई मैन न ही एनिमल देखा, फिर क्यों है वाइल सम डाइवर्टेड देमसेल्व्स। अब ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि अभी मीडोज की बात है तो मीडोज में ही तो था ना, वाइल सम डाइवर्टेड देमसेल्व्स विद अ गैदरिंग फ्लावर्स आई टुक माई वाइन एंड प्रोविजंस एंड सेट नियर ए स्ट्रीम, और इसके बाद आर है। अब यहां देखे, यहां था ना, ये भी क्लू था आपका, आई टुक माई वाइन एंड प्रोविजंस एंड सेट नियर ए स्ट्रीम, और फिर देखिए है जब मैं उसके किनारे बैठ गया तो आई मेट अ गुड मील एंड afterwards fell asleep। ये तय है कि आर लास्ट में आएगा, क्योंकि लास्ट में भी देखें when I awoke, जब मैं जगा, कब मैं जगा होऊंगा, जब मैं सो गया होऊंगा। ये क्लियर है कि जब भी आएगा आर आपका लास्ट में आएगा, आई मेट अ गुड मील एंड afterwards fell asleep, यानी उसके बाद मैं सो गया, और फिर when I awoke, जब मैं जगा। यहां भी आर है और यहां भी आर है, वैसे भी इन्हें सुना। ठीक है, अब एस के बाद चूंकि पी आपका बेस्ट है इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। पढ़िएगा, समझ जाएगा। ये देख लें, ये लेवल पे है आप। सेल्फ हेल्प मीन्स डूइंग आवर ओन वर्क आवर सेल्फ, यानी खुद की मदद का मतलब ये होता है कि डूइंग आवर ओन वर्क आवर सेल्फ, कि हम अपना कार्य स्वयं करें। दे प्रीफर, दे कहीं भी इसमें दे की बात है, यानी पी कभी नहीं आया। द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इज ही हु डिपेंड्स द लीस्ट ऑन अदर्स, सबसे सफल व्यक्ति वो है जो सबसे कम लोगों पर निर्भर करता है, इन लोगों पर सबसे कम निर्भर करता है। देयर आर मेन इन आवर सोसाइटी हु डोंट एक्सर्ट देमसेल्व्स, ये यहां बैठेगा लेकिन अभी और आओ। सच पीपल आर रेयरली सक्सेसफुल, सच पीपल आर रेयरली सक्सेसफुल, ऐसे लोग बहुत कम ही सफल होते हैं। कौन लोग सबसे कम सफल होते हैं, they prefer to have things done for them, there are men in our society who don't exert themselves। पूरा देख ले और बताएं कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है। सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको, क्या सेल्फ हेल्प मीन्स डूइंग आवर ओन वर्क आवर सेल्फ के बाद ये बेहतर है, देयर आर मेन कुछ ऐसे लोग होते हैं इन आवर सोसाइटी हमारे समाज में हु डोंट एक्सर्ट देमसेल्व्स, जो स्वयं प्रयास नहीं करते हैं, स्वयं परिश्रम नहीं करते हैं। सच पीपल आर रेयरली सक्सेसफुल, और ऐसे लोग बहुत कम सफल होते हैं। कहीं है आर के बाद पी है। दे किसके लिए, देयर आर मेन इन आवर सोसाइटी हु डोंट एक्सर्ट देमसेल्व्स, ये देखिए बेस्ट मिलेगा। ये तो तय है कि आर पहले आएगा, क्योंकि सेल्फ हेल्प मीन्स डूइंग आवर ओन वर्क आवर सेल्फ, यानी सेल्फ हेल्प का मतलब है कि हम अपना कार्य स्वयं करते हैं। लेकिन देयर आर मेन इन आवर सोसाइटी,
लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोग हैं who don't exert themselves, जो अपना काम स्वयं नहीं करते हैं. स्वयं नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? They, सही ना? There are men, they prefer to have things done for them. वो चाहते हैं कि लोग उनके लिए कार्य करें. ये तय है कि R के बाद क्या आएगा? P आएगा, ठीक है? R के बाद P नहीं है, R के बाद P नहीं है, R के बाद P है लास्ट में और R के बाद P शुरू. अब हमें ये देखना है कि Q पहले आएगा या R पहले आएगा. पहले Q देख लेते हैं. सेल्फ हेल्प मीन्स डूइंग आवर ओन वर्क आवर सेल्फ. अब है Q. द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इज ही हु डिपेंड्स द लीस्ट ऑन अदर्स. Q आ गया. S. सच पीपल. अब ये आपको रोक दे रहा है. क्यों रोक दे रहा है? क्योंकि द मोस्ट सक्सेसफुल मैन, मैन की बात कर रहे हैं, इज ही हु डिपेंड्स ऑन लीस्ट ऑन अदर्स. और यहां है सच पीपल, यानी क्यू के बाद एस नहीं आ सकता है, यानी ये नहीं हो सकता है. और अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा. पूरा मिलाएं देखिए. सेल्फ हेल्प मीन्स डूइंग आवर वर्क ओन वर्क आवर सेल्फ. आर ले अब यहां पे. देर आर मेन, यानी ऐसे लोग हैं इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, हु डोंट एक्सर्ट देमसेल्फ, जो स्वयं कोई कार्य नहीं करते हैं. पी ले तो ऐसे लोग, यानी दे प्रीफर टू हैव थिंग्स डन फॉर देम. अब है ना, जो स्वयं कार्य नहीं करते हैं, डन फॉर देम, वो चाहते हैं कि लोग, दूसरे लोग उनका कार्य करें. एस ले ले. सच पीपल है ना, दे यहां था पूरा. सच पीपल आर रेयरली सक्सेसफुल. ऐसे लोग बहुत कम ही सफल होते हैं. द मोस्ट सक्सेसफुल मैन, सही है, जो सबसे सफल व्यक्ति होता है, इज ही हु डिपेंड्स द लीस्ट ऑन अदर्स, जो दूसरों पर सबसे कम निर्भर होता है. ही हैज, ये क्लू है आपका कि जब भी आएगा क्यू, आपका कहां आएगा? लास्ट में आएगा. यहां देखिए दे है, दे के लिए ही नहीं ले सकते हैं. यहां पे देर आर मेन है, ही नहीं ले सकते हैं. यहां पे सच पीपल है, ही नहीं ले सकते हैं. तो आपका क्लू है कि जब भी आएगा क्यू लास्ट में आएगा. क्यू लास्ट में है? नहीं. क्यू लास्ट में है? नहीं. क्यू लास्ट में है? नहीं है. ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि आपका डी आंसर हो जाए. ठीक है, ये मैं समय लेता हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें. ये कोई टेस्ट नहीं आपका, ये इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा आपको तैयार कराने का तरीका है. कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि सर जल्दी बता सकते हैं, हम जल्दी बता सकते हैं, हम तो तुरंत बता सकते हैं, हम तो आंसर जानते हैं. लेकिन क्या आप तुरंत कर लेंगे? या जो बच्चे आप में अच्छे हैं वो कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए सब चीजें बहुत कठिन हो जाएंगी और वो कहीं कहीं से फिर पसंद नहीं करेंगे. तो आप किसी अच्छे को अच्छा बना लें, ये आपकी काबिलियत नहीं है. आप किसी कमजोर को अच्छा बना लें, ये आपकी काबिलियत. जो अच्छे बच्चे आप में हैं वो ऑलरेडी समझते होंगे कि वो कैसे करने हैं, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं अगर उनको समय नहीं दिया जाएगा तो उनके लिए मुश्किल होगी. इसलिए मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा मॉडरेट स्पीड में चलूं ताकि चीजें आप अच्छे से समझ लें, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी खाली हो जाऊंगा, मेरा ही फायदा होगा. सोच कर देखें मैं क्यों इतना समय लगाता हूं, लेकिन लगाता हूं इसलिए ताकि कमजोर बच्चे भी इन्हें समझ लें ताकि वो जिंदगी में सफल हो जाए. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये है आपका क्लोज टेस्ट पैस. ठीक है, द सन हैड सेट, सूरज डूब चुका था, बट लेकिन देयर वाज स्टिल सम लाइट इन द स्काई, इन आसमान में अभी भी कुछ रोशनी थी, दिखाई दे रहा था कुछ. मार्टिन नाम है, मार्टिन डैश ऑन हिज एल्बो. मार्टिन अपनी एल्बो, एल्बो समझते हैं ये, अपनी एल्बो के बल पे हो गया. एंड लुक्ड डैश थ्रू द लीव्स, और पत्तियों के, पत्तियों से होकर उसने देखा. इन द वाटर्स, यानी वो जो पानी था, वाटर्स था, क्लोज टू द शोर, यानी जो बिल्कुल शोर यानी किनारे के पास था. सा अ, उसमें देखा उसने, ऑफ एलिगेटर्स, एलिगेटर्स घड़ियाल को कहते हैं, मगर को कहते हैं. फ्लोटिंग क्वाइटली, जो धीरे धीरे तैर रहे. वन ऑफ द क्रिएचर, जो कि एक क्रिएचर्स में से एक है, डैश यूज वन, और बहुत बड़ा है. वॉज लाइंग ऑन अ हाई डैश ऑफ सैंड,
जो रेत के डैश पर बैठा हुआ था। A few yards from the water, यानी पानी से कुछ ही दस की दूरी पर। शुरू करते हैं, ठीक। The sun had set, सूरज डूब चुका था, but there was still some light in the sky, फिर भी आसमान में अभी प्रकाश था। Martin leaned on his elbow, Martin lay on his elbow, Martin sat on his elbow, Martin crossed on his elbow। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं क्या गलत है यहां पे, देख लें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है यहां, ये चुनना है। लीन्ड, लीन्ड मीन्स झुक कर बैठ जा, ऐसे झुक कर बैठ जा। ले, पड़े रहना, लेट जाना। सेट, बैठ जाना। क्रॉस्ड, एक पार से दूसरी तरफ हो जाना। कॉमन सेंस लेंगे तो मार्टिन लीन्ड होगा, लीन ऑन वैसे भी होगा, टिके रहना, एल्बो के बल पे वो टिक गया यानी झुक गया। क्या वो लेट गया एल्बो के बल पे, कोई लेटता है क्या, नहीं। क्या वो बैठ गया एल्बो के बल पे, कोई बैठता है क्या, नहीं। क्या वो क्रॉश हो गया एक तरफ दूसरी तरफ, नहीं। क्या हो जाएगा, लीन्ड हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो मार्टिन लीन्ड ऑन हिज एल्बो, यानी अपनी एल्बो के बल पे वो सहारा ले लिया उसने। एंड लुक्ड, और उसने देखा, डैश थ्रू द लीव्स, पत्तियों से होकर। ये आप तभी कर पाएंगे अगर आपने यहां पे देखा हो कि इन द वाटर्स ऑफ द लेक, यानी उस झील के पानी में, एक क्लू होगा कि ऑन हिज एल्बो एंड लुक्ड एट थ्रू द लीव्स, एट भी थ्रू द लीव्स नहीं, इंटू लुक्ड इंटू थ्रू द लीव्स, उन पत्तियों में देखा नहीं, लुक्ड फार थ्रू द लीव्स नहीं होगा, लुक्ड डाउन थ्रू द लीव, लुक्ड डाउन उसने नीचे देखा, ये क्लू है। इन द वाटर्स ऑफ द लेक, वो ऊपर बैठा था, लीव्स मतलब क्या, पत्तियां, और वो नीचे देखा होगा, लेक नीचे पानी दिख रहा था ना, तो नीचे ही तो रहा होगा, यानी हर हाल में क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो मार्टिन लीन ऑन हिज एल्बो एंड लुक्ड डाउन थ्रू द लीव्स, नीचे देखा उसने। इन द वाटर्स ऑफ द लेक, यानी उस जो लेक का जलाशय था, छोटे छोटे जो पाइप से वाटर होना चाहिए था, वाटर्स की आवश्यकता नहीं थी, वाटर्स मीन्स धाराएं या जलाशय, तो यहां धाराओं के सेंस में यूज किया गया होगा, वैसे लेक में कहां धाराएं होंगी, वाटर बेहतर था। तो इन द वाटर्स ऑफ द लेक क्लोज टू द शोर, यानी उस शोर के बिल्कुल करीब, ही सा अ, उसने देखा अ वॉल्यूम ऑफ एलिगेटर्स, अ सिम्बलॉन्स ऑफ एलिगेटर्स, अ नंबर ऑफ एलिगेटर्स, या अ फैमिली ऑफ एलिगेटर्स। वॉल्यूम क्या होता है, अ वॉल्यूम ऑफ वाटर हो सकता है, अ वॉल्यूम ऑफ फाइल हो सकता है, हो सकता है। एलिगेटर्स घड़ियाल को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अ सिम्बलॉन्स ऑफ एलिगेटर्स, सिम्बलॉन्स किसी चीज का आभास, एहसास, तो क्या एलिगेटर्स का उसने वाटर में एहसास हुआ क्या, आभास हुआ क्या, क्योंकि यहां सा लिखा है, सा मीन्स देखा, तो जब देखा तो आभास का कैसे मतलब हो सकता है। ही सा अ नंबर ऑफ एलिगेटर्स, होगा ना, अ नंबर ऑफ, जब कोई संख्या में कोई चीज है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, नंबर लगा। अब वहां फैमिली तो नहीं आके बैठ गई होगी कि लो मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, ऐसा नहीं रहा होगा। तो क्लोज टू द शोर ही सा अ नंबर ऑफ एलिगेटर्स, यानी उसने कई सारे घड़ियालों को देखा, फ्लोटिंग क्वाइटली, जो शांत होकर के क्या हो रहे थे, तैर रहे थे। वन ऑफ द क्रिएचर्स, यानी उन क्रिएचर्स में से एक, कौन सा क्रिएचर, वन यूज वन तो कभी नहीं होगा, एन यूज वन आर्टिकल का थोड़ा सा नॉलेज रखिए, कभी नहीं होगा, ऐसे ही आजमाया जाता है आपको। सिंगल यूज वन, सिंगल भी वही है, ये और यूज वन, सही ना, और यूज वन यानी एक यूज वन, ये वन किसके लिए है, उन क्रिएचर्स में से एक के लिए है, क्या हो जाएगा, वन ऑफ द क्रिएचर्स
अ यूज वन होगा, अ यूज वन वॉच लाइंग ऑन अ हाई डैश ऑफ सैंड, हाई पिट ऑफ सैंड, हाई पाइल ऑफ सैंड, हाई बैंक ऑफ सैंड या हाई पीक ऑफ सैंड। पिट क्या होता है? कोई गड्ढा जिसमें उड्ढा बना के आप कूदते हैं वो पिट होता है। पाइल क्या होता है? ढेर। बैंक क्या होता है? किनारा। पीक क्या होती है? चोटी। तो सैंड के लिए आप बैंक और पीक तो नहीं लगा सकते। पिट कहां होता है? जिस पर से आप कूदते हैं वो पिट होता है। पाइल क्या होता है? ढेर होता है। यहां लगेगा हाई पाइल ऑफ सैंड। सैंड के लिए हम क्या लगाते हैं? पाइल, पाइल ऑफ सैंड। जैसे आपको कुछ ग्रुप टर्म्स मैंने याद कराए होंगे वैसे याद कर लें, पाइल ऑफ सैंड होता है। अगर याद रहेगा तो आप कर लेंगे। अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द वाटर, यानी पानी से कुछ ही दूर। जल्दी से पूरा एक साथ देख लें। द सन हैड सेट बट देयर वॉज स्टिल सम लाइट इन द स्काई। मार्टिन लीन्ड ऑन हिज एल्बो एंड लुक्ड डाउन थ्रू द लीव्स। In the waters of the lake, close to the shore, he saw a number of alligators floating quietly. One of the creatures, a huge one, was lying on a high pile of sand a few yards from the water. Okay? मैंने कही आएगा धीरे धीरे, सब आएगा आपको यदि आप regularity English में show करते हैं। Find out the correctly spelled word. चार शब्द हैं, इनमें से एक की स्पेलिंग केवल सही होगी, बाकी तीन की स्पेलिंग क्या होगी? गलत होगी। आपको जो सही है वो बताना है। क्या एरोनॉट सही है? एरोनॉट समझते होंगे, अंतरिक्ष यात्री। क्या एडोलसेंस सही है, जिसके मीन्स किशोरावस्था? अशीडवस सही है, इसके मीन्स परिश्रमी मेहनती। क्या अक्वियस सही है, इसके मीन्स मौन सहमति। आप केवल वर्ड्स नहीं पढ़ते हैं, स्पेलिंग नहीं तैयार करते हैं, आप चाहे तो इससे अपनी वर्ड पावर भी बेहतर कर सकते हैं। हर एक सेट में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तैयार कर ले, सीक्वेंस में तैयार करते जाएं। ये 13वां सेट है आपका, सोचे धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे आप। एरोनॉट गलत, ए आई आर नहीं होता है, ए ई आर। एडोलसेंस गलत, ए डी ओ एल ई एस सी ई एन सी ई होता है। एस सी ई एन है यहां पे, नहीं गलत। अशीडवस सही है, ए डबल एस आई डी यू ओ यू एस, अशीडवस मीन्स परिश्रमी। सी ऑप्शन सही आपका, ठीक है, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। अक्वियस गलत, ए सी क्यू यू आई ई एस सी ई होता है। क्या होता है? एस सी ई एस है यहां पे, नहीं है। अक्वियस मीन्स मौन सहमति होता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड, ये चार वर्ड्स है, कोई एक शब्द ऐसा है जो गलत स्पेलिंग है, बाकी तीन की सही है। कॉन्शीट दंभ अभिमान, बटालियन पल्टन को कहते हैं जो टुकड़ी होती सेना की, अम्बेसडर राजदूत को कहते हैं, कैवलरी घुड़सवार सेना को कहते हैं। कौन सा इसमें गलत वर्ड है, किसकी स्पेलिंग गलत है? क्या कॉन्सीट गलत है? नहीं गलत है। सी ओ एन सी ई आई टी कॉन्सीट सही है, दंभ अभिमान। क्या बटालियन गलत है? बिल्कुल गलत है। बी ए डबल टी ए एल आई ए एन नहीं होता है, एल आई ओ एन होता है, यानी बी गलत है। अम्बेसडर सही है, ए एम बी ए डब्ल्यू एस ए डी ओ आर अम्बेसडर राजदूत। कैवेलरी सही है, सी ए वी एल आर वाई कैवेलरी घुड़सवार सेना, यानी बी ऑप्शन यहां पे है जो आपका ए नहीं होगा ओ हो जाए, बी ए डबल टी एल आई ओ एन होता है। वाइस पेन 19वां क्वेश्चन हमारे सामने है। द सरफेस फेल्स स्मूथ, द सरफेस, सरफेस मीन सतह, फेल से स्मूथ चिकनी प्रतीत होती है। वॉइस है यानी एक्टिव वॉइस है, पैसिव में बदलना है। द सरफेस इज स्मूथ व्हेन वी फील इट, द सरफेस इज स्मूथ
when we feel it, the surface is smooth when felt, या the smooth is felt when surfaced. बहुत आसान है, ऐसे वाक्य आप किए होंगे या करना चाहिए. अगर आपको याद हो, the rose smells sweet या pickle tastes sour, ये दोनों वाक्य अगर आपने किए होंगे तो आप इसे कर लेंगे. कौन सा सोच रहे हैं? ए. अगर आप ए सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं. ए तो पैसे में है ही नहीं. देखें, द सरफेस इज स्मूथ व्हेन वी फेल इट, बिना थर्ड फॉर्म के, बिना पास्ट पार्टिसिपल के कभी पैसिव नहीं होता. द सरफेस इज स्मूथ. अब स्मूथ तो यहां वर्ब है नहीं, वर्ब तो क्या है? फील है ना, तो स्मूथ कैसे हो जाएगा? बी गलत है. द सरफेस इज स्मूथ सही है. सरफेस स्मूथ है कब? व्हेन फेल्ट. व्हेन फेल्ट है थर्ड फॉर्म आपकी. आप कहेंगे सर ये तो फेल्ट सेकंड फॉर्म भी हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपको इसे पूरा अगर समझना हो तो क्या करेंगे आप? द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट. लेकिन आपकी ग्रामर में इट इज को क्या किया जा सकता है? बीच में से हटाया जा सकता है. वही यहां पे किया गया है. तो सी ऑप्शन हो जाएगा, द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट. लेकिन इट इज को हटा के व्हेन फेल्ट कर दिया गया. द स्मूथ इज फेल्ट, ये कोई अर्थ ही नहीं इसका है. स्मूथ को तो हम फील नहीं कर रहे हैं ना, तो डी नहीं होगा, सी हो जाएगा. अगर आपके मन में अक्सर कैसे हो गया तो हिंदी बनाए, द सरफेस फील्स स्मूथ, यानी सतह जो है वो चिकनी महसूस होती है. यानी सतह चिकनी होती है जब हम उसे क्या करते हैं? महसूस करते हैं. ये देखिए एक्टिव है, द सरफेस इज स्मूथ, यानी वो सरफेस चिकना होता है व्हेन वी फील इट. तो ये तो वही रहेगा, द सरफेस इज स्मूथ, द सरफेस स्मूथ. व्हेन वी फील इट का पैसिव बनाए, बना लेंगे. व्हेन वी फील इट यानी व्हेन इट इज फेल्ट बाय अस, तो व्हेन फेल्ट इट इज को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है. ऐसे तैयार करिएगा. जल्दी ही मैं अपनी वॉइस की, नरेशन की ज्यादातर चीजें प्लस के रूप में आपको दूंगा, तो वहां से बहुत सारे टिपिकल सेंटेंसेस जो आपके कंपटीशन में ले जाते हैं वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा, तो वहां और बेहतर आप तैयारी कर सकते हैं. ये नरेशन है आपका, छोटा सा लेकिन टिपिकल है. दे से दैट ही इज अ स्पाई. एक्चुअली ये पूरा जो सेंटेंस है ये पैसिव का ही आपको दे दिया गया नरेशन के नाम पे, सॉरी, लेकिन आप कर सकते हैं. दे से दैट ही इज अ स्पाई. वॉइस सोच के करिएगा, नरेशन सोच के नहीं करिएगा. क्या हो जाए? अ स्पाई दैट ही इज सेड दे, ये होगा. या इट हैज बीन सेड बाय देम दैट ही इज अ स्पाई. या इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई. या ही इज अ स्पाई बाय शेड. और स्पाई दैट ही इज शेड दे कभी भी नहीं हो सकता है. मैटर खत्म करता है. इट हैज बीन सेड, कहां यहां प्रेजेंट परफेक्ट है कि आप हैज बीन ले सकते हैं? कभी नहीं होगा. इट इज सेड है ना, दे से को याद करें जो बच्चे समझते हो. इट इज सेड हो जाता है पैसिव वॉइस में. तो दे से अर्थात इट इज सेड दैट, और पूरा उतार दीजिए, ही इज अ स्पाई. तो इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई, यानी सी ऑप्शन हो जाए. ही इज अ स्पाई वाज सेड, ये पैसिव हो गया. वाज, वाज कैसे हो जाएगा? सब तो प्रेजेंट में हमारा है, तो पैसिव में टेंस कहां बदलता है आपका? प्रेजेंट टू पास तो होता नहीं, तो डी नहीं होगा, सी हो जाए. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 21st क्वेश्चन आ गया. अ पर्सन हु इज स्लो टू लर्न, एक व्यक्ति जो सीखने में बहुत फिसड्डी हो, बहुत धीमे सीखता हो, कौन है वो व्यक्ति? डैंडी है वो व्यक्ति, डंस है वो व्यक्ति, डोडो है वो व्यक्ति, डॉटेज है, कौन हो? मुझे पता है आपके ज्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे डॉटेज. डॉटेज नहीं हो. डॉटेज वो होता है जिस जो सठियापे का शिकार हो जाए, जो 7 साल का हो और फिर उसकी बुद्धि काम न करे, वो डॉटेज होता है. वृद्धावस्था के कारण जब उसे इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो डॉटेज होता है. डॉटेज यानी कहीं कहीं उसके सोचने समझने की क्षमता क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, वो डॉटेज. ये सीखने की बात करें, जो सीखने में धीमा हो,
डोडो क्या है आप जानते हैं, डोडो एक पक्षी मॉरिशस का एक न उड़ने वाला पक्षी फ्लाइटलेस बर्ड था जो अब विलुप्त हो चुका है, तो यहां गलत है। डैंडी कौन होता है, जो अपने अपीयरेंस या अपने लुक को लेकर के बहुत फैशनेबल होता है, जो हमेशा बन ठन के रहता है वो डैंडी होता है। डंस कौन होता है, बेवकूफ, जो सीखने में बहुत धीमा होता है वो कौन सा होता है, डंस होता है। तो अ पर्सन हु इज स्लो टू लर्न इज डंस, यानी सीखने में जो धीमा है वो डंस होता है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन किसमें करते हैं, एटिमोलॉजी में करते हैं, इंडोक्रिनोलॉजी में करते हैं, एंटोमोलॉजी में करते हैं, या सर में शायद में करते हैं, कौन सा सही है, एटिमोलॉजी जर्मिसाइड, एंटोमोलॉजी इंडोक्रिनोलॉजी, कौन सा सही है? ये सब आना चाहिए आपको, तैयार करते जाए धीरे धीरे बाबू, सफल होना है तो आपको लड़ना होगा अपनी तकदीर से भी और अपने कर्म से, अधिक परिश्रम करें हर हाल में जीत जाएंगे आप। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एटिमोलॉजी नहीं होगा, ये शब्द उत्पत्ति विज्ञान होता है, एक शब्द का ओरिजिन क्या है, उसका इतिहास क्या है, ये आप एटिमोलॉजी में पढ़ते हैं। इंडोक्रिनोलॉजी नहीं होगा, ये हार्मोन्स से संबंधित जो अध्ययन होता है वो इंडोक्रिनोलॉजी होता है। एंटोमोलॉजी होगा, एंटोमोलॉजी में कीट विज्ञान होता है, इंसेक्ट्स का विज्ञान होता है। आप इस कुछ बच्चे जर्मिसाइड सोच रहे हैं क्योंकि कीट नाशक होता है, हम कीट नाशक की बात नहीं कर रहे हैं, हम द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट संबंधित स्टडी की बात कर रहे हैं, तो जर्मिसाइड कैसे हो गए, तो कीट नाशक होता है, यानी एंटोमोलॉजी हो जाएगा, मीन्स कीट विज्ञान हो जाएगा। एंटोनिम्स पे आ गए हैं, एडजेसेंट का एंटोनिम क्या होगा, एडजेसेंट का एंटोनिम अलोफ होगा, एग्रीमेंट होगा, नेबरहुड होगा, या फ्रेंडलीनेस होगा, क्या ये कब कर पाएंगे आप, जब आप इन सारे वर्ड्स की मीनिंग और इसकी मीनिंग जानें। एग्रीमेंट तो आप जानते हैं, नेबरहुड आप जानते हैं, फ्रेंडलीनेस भी जानते हैं, शायद यहां फंस रहे हो अलोफ, अलोफ मीन्स अलग थलग, अलोफ याद रखिए, अलोफ के साथ फ्रॉम लगाते हैं, प्रीपोजिशन में काम आया। एडजेसेंट मीन्स क्या होता है, सटा हुआ, बिल्कुल सटा हुआ, जो बगल का होता है वो एडजेसेंट होता है, तो नेबरहुड तो उसका सिनोनिम हो जाए कि नहीं होगा, अगर एडजेसेंट मीन्स सटा हुआ होता है तो अलोफ मीन्स बिल्कुल अलग थलग होता है, यानी एडजेसेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अलूफ हो जाए। नेक्स्ट एंटोनिम है इंपेयर, इंपेयर का एंटोनिम क्या होगा, डिस्पेयर होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, रिपेयर होगा, या एस्पायर होगा, क्या डिस्पेयर मीन्स निराशा होती है, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स भी निराशा होती है, रिपेयर मीन्स होता है मरम्मत करना, और एस्पायर मीन्स होता है इच्छा करना, आकांक्षा रखना, ओके? तो अब हमें यह जानना होगा कि इंपेयर मीन्स क्या होता है, इंपेयर मीन्स खराब कर देना, अशुद्ध कर देना, तो कौन सा हो जाएगा, रिपेयर, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, बना देना। डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट का खराब करने से कोई मतलब नहीं है, एस्पायर आकांक्षा करना, इच्छा रखने का कोई मतलब नहीं है, इंपेयर मीन्स अगर खराब करना तो रिपेयर में उसकी मरम्मत करना, दुरुस्त करना, तो इंपेयर का एंटोनिम रिपेयर हो जाए। और इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सिनोनिम, सब सर्वियंट का सिनोनिम आपको ढूंढना है, सब सर्वियंट का सिनोनिम सिकोफेंटिक हो जाए, सिकोफेंटिक मीन्स चापलूस होता है, जी हुजूरी करने वाला होता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन में उल्लंघन होता है, वायलेशन जिसको आप कहते हैं, कॉन्जुगल हो जाएगा, मीन्स दाम्पत्य जीवन को कॉन्जुगल लाइफ कहते हैं आप, यानी जोड़ी, वैवाहिक जोड़ी को कॉन्जुगल लाइफ कहते हैं, प्रोपिशिएट हो जाएगा, शांत करना, किसी के क्रोध को, किसी के दर्द को कम करना, प्रोपिशिएट करना होता है। तो सब सर्वियंट मीन्स क्या होता है,
सबसर्वियंट मीन्स भी जी हुजूरी करने वाला, यस मैन जो होता है वो सबसर्वियंट होता है। तो सिकोफेंटिक मीन्स भी क्या होता है, जी हुजूरी करने वाला, चापलूस होता है, तो सबसर्वियंट का सरनेम क्या हो जाएगा, सिकोफेंटिक हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्रैक्शन उल्लंघन, इन्फ्रैक्शन को कहते हैं, कंजुगल वैवाहिक जोड़ी या दाम्पत्य जीवन को कंजुगल लाइफ कहते हैं, और प्रोपिशिएट मीन्स शांत करना, कम करना, और ये हमारे सामने है लास्ट वर्ड सरोनिम का ही है, नेमेसिस। कई बार एग्जाम में दिया गया आपको, नेमेसिस का सरोनिम क्या हो, रिवार्ड होगा पुरस्कार, सिंथेसिस होगा जोड़ना, पनिशमेंट होगा सजा, या एनालिसिस होगा विश्लेषण। क्या नेमेसिस मीन्स होता है, पता है आपको, याद आ रहा है, नेमेसिस मीन्स सजा, दंड, पनिशमेंट। तो नेमेसिस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पनिशमेंट। तो नेमेसिस का सिनोनिम पनिशमेंट हो जाएगा, रिवार्ड सिंथेसिस और एनालिसिस कोई मतलब ही नहीं इसका है। रिवार्ड एक तरह से एंटोनिम के रूप में हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। तो नेमेसिस का सिनोनिम पनिशमेंट, नेमेसिस में सजा दंड, ये बाइबल का शब्द आपका है, नेमेसिस का मतलब सजा, तो पनिशमेंट का भी सजा। लेकिन हम हर सजा से दूर होकर के मेहनत करें ताकि अपनी जिंदगी में सफल हो, एंड व्हाट वी वांट, व्हाट वी विश, और जो हम चाहते हैं वी मस्ट गेट, उसे हर हाल में क्या कर लें, हम प्राप्त कर लें, एंड दैट इज सक्सेस, और वो है क्या, सफलता है। सो मेरी दुआओं के साथ, मेरे आशीर्वाद के साथ, आप हमेशा परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और कल फिर इसी समय पर 9 बजे एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।